हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अक्टूबर 2023, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर लिब्रा। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं लिब्रास के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। साइन ऑफ लिब्रा के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या मैसेजेस हैं, साइन ऑफ लिब्रा के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या मैसेजेस हैं। What are messages for Libras for the month of October 2023? Okay, so underneath, आपके पास है Four of Swords, King of Pentacles, Five of Wands, Tower. ओके, सो अंडरनीथ जो आपके पास कार्ड्स हैं उनके पास उनमें है फाइव ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। कोई होता है आफ्टर टावर मोमेंट, कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई हो और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो अपने फैमिली से हट के एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मानती है, वो ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। और हो सकता है ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो, आप अपने घर वालों से अगेंस्ट जाके अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, और कोई फैसला करने के लिए आपको, कोई सोल्यूशन पे आने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर कोई कमिटमेंट आपके पास आ भी रही है, कोई पर्सन है जो आपके पास आ रहा है विद अ कमिटमेंट, आप लेकिन आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं। यस, डिफेंसिव हो रहे हैं आपने ब्लॉक किया हुआ है, या उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, बट मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, बट वो पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से की फैमिली से हट के, फैमिली के डिसीजन से हट के अपना डिसीजन बना के आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन आपकी तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। आपके लिए चैलेंज है कि आप उस पर्सन को भूलना चाहते हैं, बट आप भूल नहीं पा रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप उस पर्सन की यादों से निकलना चाहते हैं। यस, पास में आपने जो डिसीजन लिया, अपने लिए लॉजिकल डिसीजन लिया, इमोशन से हट के आपने एक डिसीजन बनाया कि आप शायद आपने यही डिसीजन बनाया कि अब आपको इस पर्सन से दूर रहना चाहिए। यस, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने चाहिए या कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना चाहिए, बट न्यू बिगनिंग आप चाहते थे कि न्यू बिगनिंग हो, बट यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस थी, अब वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं। सो ये आपकी लॉजिकल कम्युनिकेशन थी, अब आप स्टिल कंफ्यूज हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप कुछ कंफ्यूजन फेस कर सकते हैं, और कुछ कंफ्यूजन फेस कर सकते हैं, या तो आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपके कोई मदर इशू है यहाँ पर, कोई किसी लाइक आप अपनी मदर के हवाले से कुछ वरिड है, परेशान है। इसके अलावा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन फील कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको फ्यूचर में कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं। बट आप चाहते हैं कि लाइक आप रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर के हवाले से, कि बहुत सी चीज़ों को आप रियलाइज़ करें कि अगर वो पर्सन नहीं आ पाता है आपके पास अपनी फैमिली से हट के, या कोई भी अगर ब्लॉकेज है उसकी लाइफ में तो उससे हट के नहीं आता है, तो आपने जो डिसीजन बनाया है क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो आपको उसमें सक्सेस चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड ऑफ द मंथ में मुझे लगता है कि आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर आप कोई काम तलाश कर सकते हैं अपने लिए, कोई नई जॉब ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें आपको टीम वर्क करना पड़े, या इसके अलावा उस पर्सन के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर्सन के साथ नहीं है तो अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी
अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। बट करंटली अक्टूबर के मिड में आप ये फील कर सकते हैं कि आपको आप अपने तरफ इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट करें और आप जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी आपको क्रिएट हो रही है, लाइक स्लीपलेस नाइट, वरीज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसी पर्सन को भूलना चाहते हैं बट वो आप भुला नहीं पा रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, जस्टिस बैलेंस चाहते हैं आप अपने लिए कि आपके साथ जस्टिस हो और आपके पार्टनर ऐसा समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, अब उनको इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो वो भी अपने रिज़ल्ट के ही वेट में है। और हो सकता है कि वो इंतज़ार में हों, वो आपके वेट में होंगे कब आप ब्लॉकेजेस से बाहर आएंगे, उसके बाद आप जो है उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि लक आपके साथ है, ठीक है। डिवाइन का मैसेज और एडवाइस आपके लिए ये है कि लक आपके साथ है। मंथ ऑफ अक्टूबर में आपके साथ लक होगी और कुछ डिलेज हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग इस वक्त में आपके लिए काम कर रही है, यानी डिवाइन की तरफ से है ये सब कुछ, जो भी आप सोच रहे हैं अपने बारे में। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ की और अपने लिए बैलेंस चाहते हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया, ये जो भी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, ये डिवाइन की तरफ से हो रही है। आपको ये एडवाइजेस दी जा रही थी, आपने अपनी इंट्यूशंस की सुनी और अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए आप अपना फैसला कर रहे हैं, तो ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सो यस, अगर कोई भी आपके पास आता है आपको ये बताने के लिए कि आप वो आपके साथ एक कमिटमेंट चाहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंड ऑफ द मंथ में थोड़ी सी स्नीकी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कोई भी आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, चाहे वो लव पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो अपनी ही स्ट्रैटेजीज में लगते हैं, अपनी सेल्फिशनेस में, लाइक अपने फ़ायदे को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई धोखा भी हो सकता है, कोई नॉन सीरियस पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जस्ट वो ये कह के आ सकता है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है। तो इसमें या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं उस पर्सन के साथ, जो पास पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है उसके साथ दोबारा से एक कनेक्शन बनाने में आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में, या कोई बिहाइंड द सीन प्लानिंग हो सकती है आपके पर्सन कर सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको बताए बगैर कहीं कमिटमेंट कर लें कहीं और या फिर आप बताए बगैर उस पर्सन को कमिटमेंट कर सकते हैं कहीं और। सो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो सिंगल्स हैं उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, वो किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये एडवाइजेस हैं आपके लिए। योर लव लाइफ इज़ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला था तो आपको उसको पहले हील करना होगा। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू फॉर यू टू हैव फेथ। जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रस्ट इशूज रहेंगे, तो आपको ट्रस्ट इशूज को ट्रस्ट करना होगा। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है विद अ कमिटमेंट जो कि जेन्युइन लग रहा है आपको, मतलब जेन्युइन है, बट आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर पास्ट सिचुएशन, पास्ट में आपके साथ जो हुआ, जिस पास्ट में जिस पर्सन ने आपके साथ जो किया, तो उस वजह से आपको ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर वही पास्ट पर्सन जो भी है वो पास्ट लाइफ से आपके साथ है, कोई रिकंसिलिएशन की सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर। सो, देखते हैं कि आपको ट्रस्ट करना होगा आपके ऊपर। आपके पास ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के हवाले से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं। कोई नया पर्सन भी आ रहा है या पास्ट पर्सन भी आपके पास कोई अच्छी कमिटमेंट ऑफर लेके आ रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ से, मतलब खुद से ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको लगता है कि वो आपको आपके साथ जो है आपके फीलिंग्स से खेल सकते हैं या पहले जो किया वो दोबारा कर सकते हैं, और कोई नए पर्सन पर भी आप उस तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कह रही है। सो लेट्स सी के अदर मैसेजेस क्या हैं। What do you need to release? तो आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या release करना है, आपको जो trust issues हैं वो release करना है, कुछ negativity आपके mind में है उसको release करना है, confusion को release करना है। Hold your vision, तो अपने vision पे hold करें, अपने जो आपने सोचा हुआ अपनी life के लिए उस पर focus करें, अपने काम पे focus करें,
तो अगर अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो अपने काम पे फोकस कर सकते हैं आप, और उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं जो आपको फेयर दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप और अपने विजन पे होल्ड करें। जैसे अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए भी कोई गोल सेट किया था तो उस पर फोकस करना है आपको। अगर ट्रस्ट इश्यूज आपको फील हो रहे हैं तो उस पर आपको काम करना होगा, ट्रस्ट रखना होगा। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।